एसीएम सर्जरी की डिफरेंट टेक्निक्स में ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। फ्रेंड्स, आज हम इन सभी टेक्निक्स को आपको दिखाएंगे और आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ डॉक्टर शेख मोहम्मद खान, आई एम एन ऑर्थोपेडिक एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑर्थो स्पोर्ट्स फॉर ए पेन फ्री बॉडी एंड इंजीनियरिंग स्पोर्ट्स। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स में आपका ग्राफ डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। फ्रेंड्स, यह हमारा नी जॉइंट का एक मॉडल है जिसमें ये नी जॉइंट के ऊपर की थाई बोन फीमर होती है और यह नी जॉइंट के नीचे की लेग बोन टीबिया होती है और इसके बीच एसीएल लिगामेंट इस तरह से जुड़ा होता है और यह हमारे नी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। दिस इज आवर ग्राफ प्रिपरेशन स्टेशन। दिस इज आवर सेमी टी ग्राफ स्पेसिमेन। वी विल पुट दिस इन दी यह हमारा टीबियल साइड है, यह हमारे ऊपर की थाई बोन फीमर साइड है। इस तरह से आपका सेमी टी को फोर फोल्ड बनाया जाता है। इसके बाद हम इसे जोड़ देते हैं। हम इसे इस तरह से बांध देते हैं। फीमर साइड इस तरह से बांधने के बाद हम टीबियल साइड को इस तरह से बांधते हैं। ऑल इनसाइड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस टेक्निक में, फ्रेंड्स, यह एक फाइबर टेप होता है जो इंटरनल ब्रेस की तरह काम करता है और यह आपके इस नए बनाए लिगामेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फ्रेंड्स, इस तरह से यह फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस जो हमारे नए बनाए लिगामेंट के साथ में रहता है, यह ऊपर थाई बोन फीमर पर इस छोटे से बटन के साथ और नीचे लेग बोन टीबिया के साथ इस छोटे से बटन से जुड़ा रहता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की स्क्रू टेक्निक के बारे में। इसमें हमारी थाई से हैमस्ट्रिंग मसल के दो टेंडन लिए जाते हैं। यह हमारा सेमी टी मसल टेंडन का एक स्पेसिमेन है और यह हमारे हैमस्ट्रिंग मसल में मौजूद ग्रेसिलिस मसल के टेंडन का एक सैंपल है। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की स्क्रू टेक्निक में यह आपका नया बनाया गया लिगामेंट ऊपर की थाई बोन फीमर से इस बटन की हेल्प से और नीचे की लेग बोन टीबिया में इस स्क्रू की सहायता से फिक्स किया जाता है।